सवाल ये है कि इंसान इस आबोहवा में कैसे सांसें ले, कैसे जिए, क्योंकि हालात दिन पर दिन ऐसे पैदा होते जा रहे हैं कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। घर से बाहर निकलने से भी डर लगने लगा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 400 के बीच है, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब समझिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स लिमिट आखिर कितनी होनी चाहिए ताकि हम सांस ले सकें और बीमारियों का शिकार ना हों। एयर क्वालिटी इंडेक्स लिमिट अगर 0 से 50 के बीच होगी तो ये अच्छा माना जाता है, यानी इस दौरान आराम से सांस ली जा सकती है। अगर 51 से 100 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स लिमिट हुई तो स्थिति संतोषजनक हो गई, लेकिन सांस लेने में हल्की परेशानी हो सकती है। अगर इंडेक्स का आंकड़ा 101 से 200 के बीच होगा तो उस वक्त वायु औसतन प्रदूषित रहेगी। ये आबोहवा अस्थमा और हार्ट पेशेंट्स के लिए खतरनाक है। अगर इंडेक्स 201 से 300 के बीच रहा तो समझिए कि स्थिति खराब हो चुकी है। इस दौरान सांस से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। अगर इंडेक्स के आंकड़े 301 से 400 के बीच रहे तो हार्ट पेशेंट्स के लिए ये स्थिति जानलेवा साबित होगी। 401 से 500 के बीच के आंकड़े गंभीर हालात के संकेत देंगे। इस आबोहवा में फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो सकेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगभग 8 से ज्यादा पोल्यूटेंट को लेकर उनकी कंसंट्रेशन और उनके हेल्थ इफेक्ट, होने वाले हेल्थ इफेक्ट को मिलाकर एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया, और उसमें 0 से 50 तक अगर वैल्यू आती है तो हम उसे गुड कहते हैं। अगर 51 से लेकर 100 तक आती है तो हम उसे सेटिस्फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद अगर 101 से लेकर 150 तक आती है तो हम उसे पुअर कहते हैं। उसके बाद वो वेरी पुअर की तरफ चलता जाता है। तो हमें ये देखना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सभी कंपोजिट स्कोर है एक। तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे वातावरण में जी रहे हैं, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, और जानकार बताते हैं कि वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है। हमारे पोल्यूशन सोर्स जो हैं, जिनमें से एक पराली जलाना, व्हीकलों का धुआं, हम जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको भी जला देते हैं। इसके अलावा हमारे हाउस होल्ड जो चूल्हे वगैरह में हम काउ डंग केक या वुड यूज़ करते हैं, वो भी इस समय इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सब मिलाकर ये जो पोल्यूशन है इसका लेवल बढ़ चुका है। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में इस वक्त सांस लेना सबसे बड़ा संकट बन चुका है। रिसर्च बताती है कि ये हवा आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। चंडीगढ़ से नितिका माहेश्वरी, जी मीडिया।